नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइट लाइव। आहना कुबरा की हालिया दो रिलीज फिल्में लॉकडाउन इंडिया और सलाम वेंकी की चर्चा में है। एक फिल्म में आहना जहां पायलट के किरदार में है तो वहीं सलाम वेंकी में जर्नलिस्ट बनी है। लिपस्टिक अंडर माय बुर्का फिल्म में लाइमलाइट में आई आहना मानती है कि इतने सालों के बाद फिल्मों में उनका स्ट्रगल जारी है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है वो हम शेयर करने जा रहे हैं। इंडस्ट्री में अपनी जमीन तलाशने की बात पर आहना कहती है, एक आउटसाइडर होने के नाते मेरा स्ट्रगल हमेशा चलता रहेगा, जमीन तलाशने की जद्दोजहद बनी ही रहेगी। इसका कारण यही है कि हम जैसे लोगों का इस इंडस्ट्री में कोई ताऊ चाचा आंटी भतीजा नहीं है जो हमारे लिए किसी से बात करे। जैसा कि यहाँ हम देखते हैं कि कला कई चीज़ों को लेकर यहाँ पर नहीं पूछा जाता है लेकिन कई चीज़ों को लेकर जाना भी जाता है, पर यह नहीं कि वो यादगार रहे। यानी कि यहाँ पर कॉल्स या पैरवी फॉरेन डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास वो पहुँचती जाती है। मैं तो अभी भी खुद को आउटसाइडर मानती हूँ, ऐसा वो यहाँ पर कहती है। हालांकि इसका एक पहलू यह भी है कि अगर आप एक बार किसी अच्छे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर आपके लिए राहें आसान हो जाती है। मेरी खुशकिस्मती समझूंगी कि मेरे स्ट्रगल में अच्छे लोग जुड़े हैं। हम आउटसाइडर तो इंडस्ट्री के दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। उस एक मौके के लिए आपकी करियर का 10 से 15 साल कैसे गुजर जाता है इसकी आपको खबर भी नहीं होती। हमारे लिए तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर तक पहुंचने या उनसे मीटिंग करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी भी उनके साथ मीटिंग होने की जद्दोजहद चल रही है। ये बात अलग है कि लोग आपको जानते हैं क्योंकि आपने इतना काम किया होता है, लेकिन क्या हम उन बड़े डायरेक्टर्स के साथ बैठकर हाही कर पाते हैं? नहीं, ये नहीं होता। इंडस्ट्री में आपको कोई दोस्त नहीं होता है, ये सभी को एक्ट्रेस या कलीग होते हैं। क्या कभी रिप्लेस की गई है? इसके जवाब में आना कहती है, हाँ ये तो बहुत होता है। अजीब बात यह है कि जब फिल्म अनाउंस होती है तब आपको पता चलता है कि अच्छा आप तो रिप्लेस हो गए हैं, आपकी बजाय किसी और को कास्ट कर लिया गया है। पहले बुरा लगता था लेकिन अब तो आदत सी हो गई है। अब देखें पिछले कुछ सालों में बहुत सी स्पोर्ट्स फिल्म बनी है और मैं बहुत अच्छी एथलीट हूँ और मानती भी हूँ, फिल्म में परफेक्ट कास्टिंग भी, लेकिन मुझे अभी कंसीडर नहीं किया गया। डायरेक्टर केवल उनको कास्ट करते हैं जिनके साथ उनकी दोस्ती है। मुझे अभी लगता है कि ऑडिशन प्रोसेस इतना आसान नहीं है। मुझे कभी किसी ऑडिशन के लिए कॉल आता है या वो क्लैरिटी है या नहीं, वरना कास्ट कंट्री में पोर्टल वगैरह में फिल्म की अनाउंसमेंट के साथ ऑडिशन के बारे में भी डिटेल दे दी जाती है।